चैत्री नवरात्रि की अंतिम रात्रि सिद्धिदात्री देवी की हम करेंगे उपासना। इस देवी की उपासना से हम क्या प्राप्ति कर पाएंगे स्वामी जी? क्षण क्षण हमने जिस प्रकार के पहले दिन से शैलपुत्री से लेकर के महागौरी तक की पूजा का विधान रूप पे हम उसका पूजन करते आए हैं, तो अंतिम हमारा वो समय आ जाता है लास्ट में नव नवरात्रा। चैत्र के नवरात्रों का तो वैसे प्रधानता है क्योंकि इसी दिन इस धरती का भार उतारने के लिए भगवान प्रभु श्री राम इस धराधार धाम पर जो थे उनका अवतार हुआ था। धरती धैर्य धारणी है, तो भगवती सिद्धिदात्री हर प्रकार की सिद्धियां हमें प्रदान करती हैं। सिद्धियां का मतलब ये नहीं कि हम बहुत बड़ी उपासना करके हर सिद्धों को सामने प्रत्यक्ष कर लें। सिद्धि का मतलब है कि हमारा कोई भी कार्य जिसमें रुकावट है वो कार्य हमारा सिद्ध हो जाए, हमारा बिना रुकावट के कार्य चले, इस संसार के हर भौतिक सुख की हमें प्राप्ति हो, हमारी संतान आज्ञाकार हो, हम दीर्घायु संतान को प्राप्त करें, हमारे हर कार्य जो है वो निर्बाध और निर्विघ्न रूप में चलते रहें। इसलिए हम इस दिन पर उस भगवती महा सिद्धिदात्री की शरण में जाते हैं और अपनी क्षमा याचना भी करते हैं कि पूरे 9 दिनों में नवरात्रों में अगर हम उपवास नहीं कर पाए, पूजन नहीं कर पाए, तो लास्ट अष्टमी और नवमी को हम उपवास करके भगवती का आशीर्वाद जो है वो प्राप्त कर सकते हैं।